आप सभी का स्वागत है फ्री फायर गेमर जोन के और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा खास। आज के इस वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो गोल्ड रॉयल होने वाला है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना और हर एक चीज अच्छे से देखना, बहुत बहुत सारे अपडेट्स है। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। भाई गोल्ड रॉयल की बात है तो लाइक एम थोड़ा ज्यादा होने वाला है। आज का लाइक एम होने वाला है 80,000। गाइस कंप्लीट कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसको ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे सेट कर देना ताकि आने वाले टाइम पे आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे एंड ये टोटली फ्री है। तो चलो गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फिलहाल आईफोन पे खेल रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नया बैनर। तो आप लोगों को ये बैनर कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना। और इसी के साथ साथ एक और छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए कि हम लोग गाइस खेल रहे हैं स्ट्रीमर कॉम्बैट 2.0 जो कि बुया पे हो रहा है। कल भी मैच होने वाला है तो आप लोगों को जरूर आना है। जीजर आर्मी को सपोर्ट करने में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और टूर्नामेंट भी खेल रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप लोग जरूर आना सपोर्ट के लिए। फिलहाल हम लोग फोर्थ पोजिशन पे है ग्रुप बी पे। आप लोग देख सकते हो पॉइंट स्टैंडिंग क्या है। तो आगे आने वाले टाइम हम लोग और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी टूर्नामेंट काफी दिन तक चलेगा तो जरूर से जरूर मुझे वीडियो पे फॉलो कर देना। अब गाइस बढ़ते अपने वीडियो के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं OB23 अपडेट आ जाने के बाद हम लोगों का न्यू लॉबी, उसके साथ साथ न्यू कैरेक्टर और भी काफी सारी चीजें। तो चलो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस स्पेस है आप लोगों के सामने आपका ब्रांड न्यू लॉबी। और गाइस ये जो लॉबी आप लोग फिलहाल देख सकते हो ये एनिवर्सरी का स्पेशल लॉबी है। जैसे कि आप लोगों को पता है इस साल चलेगा गरीना फ्री फायर का 3rd एनिवर्सरी और हम लोग देख सकते हो उसका नया लॉबी दिखने में काफी मस्त लग रहा है। पीछे के साइड देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा वगैरह हुआ है और भाई बहुत ही सही लुक है इसका। आप गाइस बात करते हैं पे न्यू कैरेक्टर की। तो गाइस यहाँ पे लोग देख सकते हो ब्रांड न्यू कैरेक्टर हाजिर है आपके सामने। और गाइस इस कैरेक्टर की यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे अपना जो लुक है उसकी, तो यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल प्लेयर है तो वो यहाँ पे अपना फुटबॉल स्किल दिखा रहा है और बहुत ही मस्त लग रहा है दिखने में। एंड गाइस इस कैरेक्टर का जो डिलक्स बंडल है वो यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट कलर के अंदर होने वाला है, आप लोगों ने देख ही लिया। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिलहाल अपना न्यू पेट, जी हाँ गाइस न्यू पेट पेंगुइन कुछ इस तरीके का होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है यार ये पेट। तो गाइस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, लाइक तो बनता है बॉस। बहुत ही ओपी चीजें आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। और न्यू पेट की बात की जाए यहाँ पे स्किल की, तो स्किल आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो के अंदर पूरा बता दिया तो जरूर चेक कर लेना उस वीडियो को। और इलाइट है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर का। भाई मैं इसके लुक के ऊपर सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ, मस्त लुक है। तो भाई बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे ये दिखने में। और इसका काम उतना मस्त नहीं है बट यहाँ पे इसको लुक वाइज तो बहुत तगड़ा लग रहा है। तो आपको पता है रेड कलर का जो भी था यहाँ पे लुक था इसको पूरा चेंज करके ब्लूइश कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ होने वाला है आपका इलाइट है तो। अब गाइस आप लोगों को बताना है कॉमेंट बॉक्स पे कि यहाँ पे जो इलाइट है तो है वो आपको दिखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर इलाइट केरी जो थी वो दिखने में ज़्यादा बेटर थी। तो आप लोगों को ये चीज़ कमेंट करना है, ठीक है। और गाइस इसी के साथ साथ ये तो सारे चीज़ें थी जो आप लोगों को लॉबी एंड कैरेक्टर पेट इससे रिलेटेड थी। अब गाइस बात करते हैं बाकी सारे अपडेट्स को लेके जो कि होने वाला है गाइस आपका एनिवर्सरी स्पेशल। तो जैसे कि आप लोगों ने लॉबी देख लिया वो तो एनिवर्सरी का स्पेशल था, तो एनिवर्सरी के लिए और भी बहुत सारे थीम आने वाले हैं। चलो वो एक एक करके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जब लोग देख सकते हो आपका स्पेशल ड्रॉप का थीम जहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3rd एनिवर्सरी, तो ऐसा कुछ होने वाला है आपका नया ड्रॉप जो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी अपडेट के बाद। और उसी के साथ साथ नया प्लेन का स्किन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा 3rd एनिवर्सरी। और गरीना यहाँ पे इसको पूरा सेलिब्रेट करने वाला है जैसे कि हर बार होता है। सो गाइज कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि गेम पे आप लोगों को नया ब्लू कार की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आपको मिलने वाला है इलाइट पास के अंदर। और भी काफी सारे नए स्किन आने वाले हैं जो कि आपको इलाइट पास पे मिलेगा। तो चलो गाइस एक एक करके सारे के सारे चीजें देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो आपको SKS का नया स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो थीम है वह यहाँ पे एंजेला थीम। और यहाँ पर लोग देख सकते हो आपको गैटलिंग गन का भी स्किन देखने के लिए मिल रहा है, M60 का स्किन देखने के लिए मिल रहा है, VSS का मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक जो है आपका पूरा का पूरा थीम बॉक्स होगा जो कि आपको स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस इसी के साथ साथ जो यहाँ पे गोल्डन वाला स्किन है ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा लाइट पास पे। और इसके साथ साथ गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा कटाना का स्किन, ये भी आपको मिलने वाला है इसी लाइट पास के अंदर, साथ ही साथ एक ग्रेनेड का स्किन भी। एंड गाइस इसी के साथ साथ आप लोगों को VSS एंड M1887 का स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस ब्रांड न्यू जोकर का ग्लूअल का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये जो स्किन है ना मेरे को बहुत ज्यादा ओपी लगा। यहाँ पे G18 का नया गोल्डन स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, उसके साथ साथ पेन का स्किन आप लोग देख सकते हो जो
यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। साथ ही लाइट पास के अंदर M500 का स्किन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। USP का स्किन भी आप लोगों को ब्रांड न्यू देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको लाइट पास से मिल सकता है। और यहाँ पे बैट का स्किन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एक और नेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपको इलाइट पास में मिलने वाला है। एक और आप लोगों को पेरांग का स्किन देखने के लिए मिल रहा है। ब्रांड न्यू बाइक का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। भाई कितने कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो थी गाइस कुछ आइटम्स के स्किन। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले कुछ कॉस्ट्यूम्स जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अपकमिंग दिनों के अंदर, लाइक यहाँ पे इनक्यूबेटर, डायमंड रॉयल, ये सारे कॉस्ट्यूम्स। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे अपकमिंग इनक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे फीमेल कॉस्ट्यूम है गाइस, जो टॉप वाला बंडल है वो यहाँ पे रेड एंड ऑरेंज ब्लैक कलर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दिखने में तो पूरा का पूरा रियलिस्टिक बंडल होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर आप लोगों को एक देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट यहाँ पे है, एक है रेड एंड व्हाइट। तो ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसी इनक्यूबेटर के अंदर। कॉस्ट्यूम के डिजाइन से आप लोग समझ गए होंगे। अब गाइस यहाँ पे इसके मेल बंडल की बात की जाए तो मेल बंडल आप लोग देख सकते हो, दिखने में पूरा का पूरा फॉक्स टाइप का लुक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका थीम में भी फॉक्स ही होने वाला है। और यहाँ पे कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेल बंडल दिख रहा है आप लोग फिलहाल। तो ये बंडल बात की जाए दूसरे बंडल की, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर वाला था उसी का मेल वर्सन है। तो इस ब्लू के साथ गोल्डन जो है बहुत ही मस्त लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे लास्ट वाला बंडल जो देख सकते हो आप लोग, रेड एंड व्हाइट कलर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो ये बंडल आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना। अपकमिंग इनक्यूबेटर की बात चल रही है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग डायमंड रॉयल का बंडल होने वाला है, जहाँ पे मेल बंडल आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा क्रिमिनल लुक है यहाँ पे। और जो टोपी है ये बहुत मस्त लगा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश है जोकर बंडल गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर का जोकर बंडल, जो आप लोगों को कुछ दिन बाद देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ दिन मतलब यहाँ पे बहुत सारे हफ्ते, तो यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद देखने के लिए मिल जाएगा। शायद से यहाँ पे ये डायमंड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेशल इवेंट के अंदर भी आ सकता है, जो भी होगा बहुत ही खास होगा। और यहाँ पे देख सकते हो एक फीमेल बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे ये बंडल आप लोगों को येलो एंड ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत मस्त लग रहा है ये बंडल दिखने में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये जो सारे के सारे बंडल आप लोग देख रहे हो ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो गाइस अपकमिंग इनक्यूबेटर भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अपकमिंग डायमंड रॉयल से लेके अपकमिंग गन के स्किन, और भी बहुत सारे चीजें गाइस जो आप लोगों को दिखाना बाकी है, क्योंकि इतने सारे आइटम्स है ना भाई, एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा रुको, जरा सबर करो, अपकमिंग वीडियोस भी आना बाकी है, उसके अंदर काफी सारे नए चीजें आपको दिखाना बाकी है। तो ये तो थे गाइस सारे के सारे चीजें जो आप लोगों को अपकमिंग दिनों के अंदर देखने के मिल जाएगा। अब गाइस कुछ चीजें ऐसी भी होने वाली है जो आप लोगों को फ्री फायर मैक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हां गाइस, तो फ्री फायर मैक्स रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, तो चलो देख लेते हैं। तो गाइस फिलहाल आप लोग देख रहे हो फ्री फायर मैक्स स्पेशल लूट बॉक्स, स्पेशल सर्फ बोर्ड एंड स्पेशल पैराशूट का स्किन। और सबके ऊपर आपको दिख रहा है कि फ्री फायर मैक्स की ब्रांडिंग है, इससे आप लोग साफ साफ समझ सकते हो कि जब फ्री फायर मैक्स आ जाएगा तो ये सारे चीजें आप लोगों को उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये क्यों दिखाया जा रहा है गाइस, क्योंकि जो फ्री फायर मैक्स यूज करेगा, मतलब जो फ्री फायर मैक्स एप्लीकेशन यूज करेगा, उसके पास ही जो है ये स्पेशल चीजें होगा, ताकि बाकी प्लेयर्स उसको आइडेंटिफाई कर पाए और ये थोड़ा सा अलग लुक एंड अलग सा यहाँ पे फील देगा, इसलिए इन सारी चीजों को लाया जा रहा है। तो कैसा लगा है आप लोगों को ये सारी चीजें जरूर कॉमेंट करके बताना। तो गाइस ये तो सारे के सारे चीजें। अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग गोल्ड रॉयल का बंडल। अब गाइस मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं 100% श्योर नहीं हूं, 70% श्योर हूं कि यही होने वाला आपका गोल्ड रॉयल का बंडल। चलो बिना किसी देरी के जो है देख लेते हैं। तो गाइस यहां पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो बंडल्स देख रहे हो मेल एंड फीमेल के, मेल वाला बंडल पुलिस का है और फीमेल वाला बंडल किसका है मेरे को पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली ड्रेस देख के, बट जो भी है गाइस ये दोनों बंडल आप लोगों को गोल्ड रॉयल एंड एफएफ टोकन के बदले में देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर मेल वाला गोल्ड रॉयल पाता है तो फीमेल वाला आप लोगों को एफएफ टोकन में मिलेगा, अगर फीमेल वाला गोल्ड रॉयल पाता है तो मेल वाला आप लोगों को एफएफ टोकन में देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी होगा गाइस इन दोनों में से कोई भी एक गोल्ड रॉयल हो सकता है। तो कैसा लगा है आप लोगों को ये गोल्ड रॉयल के बंडल जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मेरा बेहतर मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, खास करके मेल वाला बंडल जो पुलिस वाला कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और दिखने में काफी मस्त है। तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला आपको गोल्ड रॉयल में चाहिए। तो गाइस अगर आपका वोट फीमेल बंडल के लिए है तो हैशटैग फीमेल लगाना कॉमेंट पे, अगर आपको मेल बंडल के लिए वोट है तो हैशटैग मेल कॉमेंट बॉक्स पर जरूर लगाना। और गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसके बारे में पता चले। एंड गाइस अगर अभी तक हमें
अपने सेकेंड चैनल जीजर एडमी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर कर देना। वहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से कंटेंट आने वाले हैं। लाइक यहाँ पे जीजर एडमी के जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे इतना ओपी खेलते हैं, उन सारे के सारे प्लेयर्स की गेम प्ले, उनके साथ वर्सेस, बहुत सारे मस्तियाँ, यूनिक चैलेंजेस सब कुछ करने वाले हैं। तो सेकेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और गाइस अगर अभी तक मुझे अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम का आइडिया promit_IT, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं तब से फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।